हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ देश की टॉप 10 BSc होनर्स फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटियों के लिए। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, अभी मैं आपको ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन अभी मैंने एक फॉरेस्ट्री का वीडियो डाला, उसके बाद मेरे एक पेड स्टूडेंट का कॉल आया। उसने मेरे से बोला कि भैया अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों के नाम बताओ फॉरेस्ट्री की। मैं उसको नाम बताने लगा, उसने मेरे से एक बात मेंशन किया कि भैया आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रानी लक्ष्मीबाई को टॉप 5 में क्यों नहीं रखा, क्या कारण है? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं और वहां पर सारे लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रानी लक्ष्मीबाई को टॉप 5 में रखते हैं, लेकिन आपने इनको बताया ही नहीं टॉप 5 में, तो क्या कारण है? मैंने उसको तो समझा दिया, लेकिन आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर YouTube पर ऐसे फ्रॉड हैं जो कुछ जानते नहीं है। वो आपको मैं बता दूँ कि आपको BSc एग्रीकल्चर का रैंकिंग आराम से मिल जाएगा। आप क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करोगे ना BSc एग्रीकल्चर का रैंकिंग ICR से, तो आपको आराम से रैंकिंग मिल जाएगा। लेकिन आप फॉरेस्ट्री के लिए रैंकिंग सर्च करोगे तो आपको कोई रैंकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रैंकिंग डला हुआ है ही नहीं। BSc फॉरेस्ट्री के जो यूनिवर्सिटी है उनका रैंकिंग डला हुआ है ही नहीं। अब बहुत सारे चमन क्या करते हैं, वो चमन अपने एग्रीकल्चर का जो रैंकिंग डला हुआ उसको उठा करके उसमें से कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें BSc एग्रीकल्चर अवेलेबल है, ये टॉप नंबर पे है, और इसमें BSc फॉरेस्ट्री है, तो इसको भी अपन डाल देते हैं टॉप में, ऐसा कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपनी पेड काउंसलिंग का प्रचार करने के लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटियों के ऊपर, और जिनको कुछ पता ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई है, कब उसको ICR का एक्रेडिटेशन मिला है, कुछ भी पता ना होने के बाद में वो उन यूनिवर्सिटियों को टॉप में रख रहा है और बीच में आकर के अपने पेड काउंसलिंग का प्रचार कर रहा है कि ये हमारी पेड काउंसलिंग है, आप इसमें ज्वाइन होते हो तो हम आपको जरूर BSc फॉरेस्ट्री का ये कॉलेज दिला देंगे और ये कॉलेज आपका बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपको पूरी बात अच्छे से बताने वाला हूं, तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए जहां पर भी बैठे हो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एग्रो गूगल जो आपको जानकारी देता है पूरे रिसर्च के बाद में, पूरा कन्फर्म होने के बाद में आपको जानकारी लेकर के आता है, उससे पहले मैं आपको, ये नहीं है कोई भी लिस्ट उठाई और मैं आपको चेप दूं, लिस्ट मेरे पास भी मैं आपको इसमें बता दूं कि देखो ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है, ये यूनिवर्सिटी सेकंड पे है, लेकिन ऐसा मेरा काम नहीं है, क्योंकि BSc फॉरेस्ट्री का कहीं पे रैंकिंग डला हुआ नहीं है। तो BSc फॉरेस्ट्री का स्टूडेंटों से, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स से पूछ करके कि आपका कैंपस का क्या हालचाल है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पर ये रैंकिंग लेकर के आया हूँ। तो इसको आप बिल्कुल अपनी चॉइस फिलिंग में अच्छे से काम में ले सकते हो। अगर आप BSc फॉरेस्ट्री को भरते हो तो टॉप 10 में आप, जो मैं आपको रैंकिंग बताने वाला हूँ, जो यूनिवर्सिटी आपको बताने वाला हूँ, उसको उसी क्रम में आप रख सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप BSc फॉरेस्ट्री के अपनी चॉइस फिलिंग में और बदलाव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो का। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर पर मैंने रखी है। पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो आपका 10 नंबर पर जो यूनिवर्सिटी मैंने रखा है वो आपका है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। और ये 10 नंबर पर आती है, तो यहाँ पर एक है कि एज लिमिट आपका 16 साल होना चाहिए, 16 साल से कम हो तो आपका यहाँ पर BSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन नहीं होगा। ICR में सीट कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट ICR में 10 है। उसके अलावा आता है आपका 9 नंबर पर डॉक्टर भाला साहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, ये आपका धापोली, ये भी महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी है और इसमें आपका 6 सीट है ICR से। उसके बाद में आपका 8 नंबर पर आता है कि बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से या आपका रानी लक्ष्मीबाई से, आप 8 नंबर पर इनको रख सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन अगर आप उनको नहीं रखते हो, इनके बाद में भी रखते हो 10 यूनिवर्सिटियों के बाद में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आपको बने रहना है। अब अपनी अगली यूनिवर्सिटी आती है 7वें नंबर पर, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका शालीमार वाला कैंपस है, शालीमार कश्मीर में। तो इसमें आपकी ICR से इस बार सीट का कोई अपडेट दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका ICR का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि शेरे कश्मीर में कितनी सीट है। उसके अलावा आपका 6ठे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आता है वो यूनिवर्सिटी है आपका नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका गुजरात का यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इसके जो रिसेंटली रिकॉर्ड देखे तो इसकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, पहले ये बहुत नीचे होती थी, लेकिन एकदम से इसका रिसर्च वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छा रैंकिंग है इस टाइम पे। उसके अलावा आपकी 5वें नंबर की जो यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कृषि नगर धारवाड़,
तो ये यूनिवर्सिटी आपकी टॉप फाइव में आती है, तो पाँचवें नंबर पर मैंने इसको रखा है। उसके अलावा चौथे नंबर की जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपका तीसरे नंबर का जो यूनिवर्सिटी आता है OUAT उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी आपका BSc फॉरेस्ट्री है और इसमें आपकी 10 सीट है ICR से। उसके अलावा सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखूंगा और फर्स्ट नंबर पर आप सभी को पता है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, ये आपकी सोलन हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और आपका BSc हॉर्टिकल्चर में भी ये यूनिवर्सिटी अपना पहला स्थान रखती है। लेकिन इसका फीस को देखें तो मैं इसको दूसरे नंबर पर रखूंगा, फर्स्ट नंबर पर मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखूंगा। लेकिन अब आप देखोगे, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटियों के, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आता ही नहीं है BSc फॉरेस्ट्री के, जो मैंने अब तक वीडियो देखे हैं ना अलग अलग लोगों के, वो बोल रहे हैं कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका 11, 12, टॉप 15 में ऐसे आता है, लेकिन आपको उसको बताया नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आपको बता दूं मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेट्टुपलायम का जो कैंपस है फॉरेस्ट्री का, बहुत अच्छा कैंपस है और यहाँ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले ईयरों का आप यहाँ का रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे IAS और हर साल यहाँ से गवर्नमेंट एग्जामों में सेलेक्ट होते हैं बच्चे, तो यहाँ का डिसिप्लिन वगैरह और यहाँ के प्रोफेसर वगैरह बहुत अच्छे हैं और इस कैंपस का आप देखोगे तो यहां पर आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में जाने का BSc फॉरेस्ट्री के स्ट्रीम में। उसके अलावा बात करें कि मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रानी लक्ष्मीबाई को क्यों नहीं रखा है 10 टॉप में, तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बेशक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझ के आपके दिमाग में यही आता होगा यार ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल से इनका सारा कामकाज संभाला जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि डायरेक्ट ICR से कनेक्टेड है और पूरी की पूरी सीट यहां पे ICR से फिल हो रही है, कोई स्टेट का चक्कर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका रानी लक्ष्मीबाई में 2021 में BSc फॉरेस्ट्री और BSc हॉर्टिकल्चर का जो एक्रीडेशन था ICR का, वो रिजेक्ट किया हुआ है। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, ये आप देख रहे हो नोटिस, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर स्टाफ की कमी होने की वजह से, डीन की कमी होने की वजह से, जो ICR की ऑफिशियल टीम आई थी एक्रीडेशन देने के लिए, उसने इसका एक्रीडेशन रिजेक्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पर एक्रीडेशन मिल चुका है, अभी मैंने एक सीनियर से बात की थी तो उन्होंने बताया मेरे को 2023 में यहाँ का एक्रीडेशन अप्रूवल हो चुका है। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी अभी एक बैच भी कम्प्लीट नहीं हुआ, आपका 3 साल पहले ही या इस साल हो गया होगा एक बैच कम्प्लीट, 3-4 साल पहले ही पे BSc फॉरेस्ट्री कोर्स स्टार्ट हुआ है और जिसमें आपको ICR का एक्रीडेशन पिछले साल ही मिला है, तो उससे पहले के जो स्टूडेंट थे उनको ICR का स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा था। और बंदे आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टॉप 5 यूनिवर्सिटी में, और उनको पता ही नहीं है कि भाई वहां पर फॉरेस्ट्री का क्या हाल है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये बस अपनी पेड काउंसलिंग का प्रचार करने के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटियों का कहीं से भी उठा करके ऐसे ही बता रहे हैं। तो मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो भी आपने वीडियो देखे हैं उसमें आपको ये फैक्ट जानना है कि जो मैंने आपको बताया है ये उनकी वीडियो में अप्लाई होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल वो बंदा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो बंदा कर रहा है अपनी पेड काउंसलिंग में आपको लाने के लिए, बिजनेस माइंड सबका चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे बंदों ने तो मैंने देखा है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपने रैंक कार्ड आने से पहले पहले हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया तो आपके लिए इतने पैसे, अगर रैंक कार्ड आने के बाद में आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो इसकी फीस 300 रुपये बढ़ा दी जाएगी, इसकी फीस 400 रुपये बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसे बंदे हैं जो आपको बार बार, आप अगर उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप या उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहां पर आप देखना कि उनके दिन में 1-2 बार उनका पेड काउंसलिंग का मैसेज आ जाता है। लेकिन एग्रो गूगल पर आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये बात कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हो, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर कितनी बार अब तक मेरा पेड काउंसलिंग का मैसेज भेजा है, आप जरूर मेरे को, जो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर वो इस वीडियो के कॉमेंट में आकर के बताना कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर कितनी बार पेड काउंसलिंग का मैसेज भेजा है। मैंने अभी तक किसी भी बंदे को ये नहीं बोला कि भाई तू आके मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके आधार पर जो बंदे देख रहे हैं, जिनको विश्वास है, वो बंदे मेरे पास आएंगे और वो आएंगे और इतने ही मेरे को चाहिए। ये नहीं है कि मैं 900 बंदों को 1000 बंदों को यहाँ पे जोड़ूं, और 900 1000 बंदे किसी के पास नहीं होते हैं भाई। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने 900 बंदों का 1000 लोगों का पिछली बार सिलेक्शन करवा दिया था, तो आप खुद सोच सकते हो 900 बंदे 1000 बंदों से उसने किस तरह से बात की होगी, किस तरह से उसने उसका 1-to-1, जो बोलते हैं कि 1-to-1 हमारा कांटेक्ट रहता है आपसे, किस तरह से 1-to-1 कांटेक्ट रहा होगा। एक दिन में आप कितने बंदों से बात कर सकते हो, तो जैसे आपकी चॉइस पुलिंग स्टार्ट होती है 3-4 दिन का टाइम मिलता है, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड बच्चों का आप काउंसलिंग करवा रहे हो, तो आप उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो, अच्छे से आप बात कर सकते हो। लेकिन बंदों को यहाँ पर दूसरे की जो कॉलेज लाइफ है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको
बस मतलब है अपने पेड काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ना और उनसे पैसे लूटना। तो भाई मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आप थोड़ा बहुत आपके पास दिमाग है तो आप इसके ऊपर सोच विचार करके फैसला लेना। आप कहीं भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होता है और बाद में वो पछताते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ धोखा ना हो इसलिए मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, आपको जब विश्वास होता है मेरे ऊपर तब जा करके आप मेरे पास मैसेज करना पेड काउंसलिंग के लिए। वैसे आप मेरे को मैसेज करते हो कोई डाउट पूछने के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना। और जिन लोगों ने मेरे से बात किया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है, वो लोगों को अच्छे से पता है कि मैंने किसी को अभी तक ऐसा नहीं बोला है कि आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो। तो इतना ही था यार आज के वीडियो में, बस ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहो क्योंकि पैसे आपके फ्री में नहीं आते हैं। 500 रुपये भी आप सोचते हो यार 500 रुपये तो क्या बड़ी रकम है क्या, लेकिन 500 रुपये भी अगर आप मजदूर से जाकर के पूछो ना तो मजदूरी के भी आजकल 400 रुपये ही मिलते हैं, बहुत कम है। स्ट्रीम ऐसी है जहाँ पर 500 रुपये एक दिन के लोगों को, मजदूरों को, नॉर्मल मजदूरों को मिल पाते हैं, तो 500 रुपये भी मेरी नज़र में तो एक बहुत बड़ी रकम है। तो एक एक रुपए का आपको सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे है तो आप ऐसे ही पैसे दे दो। तो आपको बता दूं कि मेरी कॉलेज का एक ऐसा बंदा था जो 2000 रुपए देकर के आया था पेड काउंसलिंग में, लेकिन उसको उसके पेड काउंसलर ने कुछ बताया नहीं कि वो यूनिवर्सिटी कैसा है, वहां पर कैसा हालचाल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो वो बंदा फील्ड वर्क देख करके ही भाग गया, तो उसने 2000 रुपए वहां दिए। उसके अलावा वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में अपना किराया भाड़ा लगा करके आया और उसके बाद में फाइनली उसने इस कैंपस को ज्वाइन ही नहीं किया फील्ड वर्क की वजह से। तो सारी जानकारी आपको ऐसा बंदा ही दे सकता है जिसको यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी, जिसको यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं है, दिन में 3-4 वीडियो बना रहा है कोई भी टॉपिक मिलो और बस बीच में आकर के अपनी पेड काउंसलिंग का प्रचार कर रहा है, तो ऐसे बंदों से यार आपको बच करके रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ लेकिन आप फिर भी नहीं समझते हो, तो वो आपकी मर्जी है। बस आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, और आपको वीडियो के अंत में एक जानकारी दे दूँ कि आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि भैया हमें इस कोर्स के बारे में वीडियो बना कर दो, हमें इन इस कोर्स की यूनिवर्सिटी का टॉप यूनिवर्सिटियों के नाम बताओ, तो आप बिल्कुल मेरे से अपील कर सकते हो। आपको इस वीडियो के टाइटल में, आपको जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर जाइए, अपना जो डाउट है, जो आपको वीडियो चाहिए वो लिखिए, और यहाँ पर आपको कुछ पैसे पे करने पड़ सकते हैं, तो वो आप पे करके आप जरूर मेरे से बोल सकते हो, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपके जो डाउट रहेगा, आपका जो वीडियो का डिमांड रहेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो वीडियो आपको पहले देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।